सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक और नए आईपीओ की डेट्स के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए कंपनी का नाम है वाइनलास बायोटेक लिमिटेड और इस कंपनी के आईपीओ की डेट्स आती हुई नजर आ रही है, तो चलिए देख लेते हैं कि ये आईपीओ कब से ओपन होने जा रहा है। देखिए ये आईपीओ 4 अगस्त 2021 से ओपन हो सकता है अप्लाई करने के लिए और 6 अगस्त इसकी लास्ट डेट हो सकती है। वहीं बात करें तो देखिए बुक बिल्ड इशू है, फेस वैल्यू ₹5 प्रति इक्विटी शेयर होगा और देखिए डिटेल की बात करें तो डिटेल अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, जैसे ही डिटेल्स आएगा हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे। और देखिए ये बीएससी एनएससी दोनों पर ही लिस्ट होने वाला है और इशू साइज की बात करें तो देखिए फ्रेश इशू 165 करोड़ के आसपास होगा। वहीं ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 51,42,067 शेयर यहां पर ऑफर फॉर सेल के जरिए मार्केट में आने वाले हैं, जो कि यहां पर काफी बढ़िया आईपीओ आपके लिए हो सकता है। बाकी जो डिटेल्ड एनालिसिस है हम आईपीओ की जो डिटेल्स वगैरह हैं उसके आने के बाद ही करेंगे, उसके बाद ही हम कोई भी फैसला लेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर हमें इस आईपीओ को इग्नोर करना चाहिए। लेकिन एक और नया आईपीओ आपको ओपन होता हुआ दिख रहा है और देखिए ये अगस्त के शुरू में ही आपको दिख रहा है, तो देखिए काफी बढ़िया आईपीओ का सीजन चल रहा है और यहां पर आपको नए नए हर सेक्टर के आईपीओ देखने को मिल रहे हैं। आपको जो भी सेक्टर पसंद है आप उस सेक्टर के आईपीओज में अप्लाई कर सकते हैं और जहां पर भी आपको लगता है कि लिस्टिंग गेन अच्छा मिलेगा वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं आपको यहां पर डेली की अपडेट देता रहता हूं, कोई भी आईपीओ हो कितना प्रीमियम चल रहा है और कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करना है और कौन से आईपीओ में आपको क्या करना है, वो सब सलाह मैं यहां पर आपको देता रहता हूं। लेकिन एक बार आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का जो है मदद जरूर लेना है, क्योंकि यहां पर मैं अपने ओपिनियन से देता हूं, हो सकता है कि वो गलत हो, लेकिन मैं यहां पर आपको सलाह जो देता हूं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, उसके बाद जो भी एक्शन लेना है वो आप ले सकते हैं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं एक और नया आईपीओ जो कि अगस्त के शुरू में ही आपको देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।